देखो यार हालत देखो, ठीक है ना, ऊपर वाले ने पता नहीं क्यों बचा दिया, किस लिए बचा दिया, मर जाता इससे बढ़िया वो सही था मेरे लिए। तुझे कैसे बताऊं तेरे बिन मुझ पे क्या गुजरे, वो जिंदगी है ही नहीं जो खराब करो तुम अपनी मेरे पीछे यार, अपनी जिंदगी नहीं तुझसे जुदा गुजरे। मैं हूँ आज को और से वीडियो के साथ। तो गाइस आज हमारे साथ है काजल जी। तो काजल जी जो भी बात आपने मुझे बताई, जो भी स्टोरी, आप कैमरा ऑन है ठीक है, फिर से आप बताओ एक बार। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, हमारी शादी हुई थी 2 साल पहले और उनका भी रिसेंटली, मतलब रिसेंट नहीं कह सकते हैं, 1.5 साल पहले उनकी एक्सीडेंट हो गई है, जिसकी वजह से बहुत, मतलब करंट लगने की वजह से उनके दोनों हाथों में प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज़्यादा करंट से करंट लगी है उनके हाथ में। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और एक हाथ से में करंट लगी 11,000 वोल्ट के करीब, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा वाला एक्सीडेंट हो गया उनका। लेकिन वो मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है एक्सीडेंट होने से, मतलब वो मुझे उसके बाद मुझे इग्नोर कर रहे हैं, उससे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं मुझे, मतलब ऐसा वो अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि वो कुछ है ही नहीं है, वो उसके काबिल ही नहीं है वो मेरे, ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों इग्नोर कर रहे हैं, बात ही नहीं करते हैं मुझसे, पता नहीं। इधर ही आश्रम में रहते हैं नज़दीकी। तो आप लोगों ने उन्हें बुलाया नहीं कभी घर, मतलब हॉस्पिटल के बाद कभी ऐसा? बात ही नहीं करते, मुझे इग्नोर करते हैं, आते हैं बात नहीं करते, एकदम शांत शांत चुप चुप रहते हैं, चले जाते हैं, मुझे कहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो, अलग रहो, अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपके बात समझ गया, जैसे गाइज वो हॉस्पिटल से डायरेक्ट हैंडीकैप आश्रम जो होता है वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी उसमें वो कर दी है ना। हाँ। और वो ना मिलते हैं ना बात करते हैं, वो अपने आप को लायक नहीं समझते हैं बात करने के, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं मतलब आपको बहुत अच्छा कह रहा हूँ कि आप उनके साथ हो, अभी भी इस प्रॉब्लम में भी साथ हो और आप उनके लिए तो मतलब पागल हो। कुछ भी हो जाए हैं तो मेरे हस्बैंड, मैं उनसे प्यार करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी, तो मैं कैसे छोड़ दूँगी? That's very good. कोई नहीं, वो क्या आपका क्या प्लान है, उनको आप लेके आओगे फिर हम लोग यहाँ बैठ के वेट करेंगे? हम वेट करेंगे, यहीं पे आते हैं, वो इसी पार्क में आते हैं। ठीक है, तो गाइस हम लोग वेट कर लेते हैं, नहीं तो अगर वो नहीं आते हैं तो फिर मैं जाके लेके आऊंगी, आज मिलूंगी। और गाइस देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मोहित मोहित वो आ गए, ठीक है उन्हें आने दो, ठीक है। वो आ गए हैं, ठीक है। तो मैं काम करो, तुम जाके बैठो, बात करो, फिर मैं आता हूँ, ठीक है। तुमने बात करो, समझाने की कोशिश करो, ठीक है। ठीक है, फिर मैं आता हूँ। अमित कहाँ जा रहे हो, रुको, बैठो, कहाँ जा रहे हो? एक मिनट छोड़ो, नहीं बैठो, छोड़ो तो सही, तुम बैठो तो सही, बैठो, छोड़ो तो सही, एक मिनट क्या करने कहाँ जा रहे हो, बैठो, अरे छोड़ो तो, एक मिनट बैठो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहा हूँ यार, क्यों कर रहे हो ऐसे, इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे बार बार? क्या रह गया अब जिंदगी में? बहुत कुछ रह गया है। कुछ भी नहीं रहा, सब खत्म है, बहुत कुछ रह गया है। नहीं, तुम कर क्यों रहे हो ऐसे ऐसे, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो बार बार? क्या करूँ बताओ, फिर तुम्हारी लाइफ खराब कर दूँ? कोई लाइफ खराब नहीं हो रही है मेरी। क्या लाइफ खराब, अभी शुरू हुई थी, शुरू होते ही लाइफ के इतना बड़ा हादसा, मेरे को खुद को देख के ऐसा लगता है। अगर मेरे साथ हो जाता फिर हुआ तो नहीं ना, नहीं तो अगर मेरे साथ हो जाता तो तुम छोड़ देते मुझे? वो बात एक अलग है। नहीं, अलग बात नहीं है, सब बात एक ही है। क्यों अपनी लाइफ खराब कर रही हो? मैं लाइफ अपनी खराब नहीं कर रही हूँ। कर रहे हो खराब, नहीं कर रही हूँ। देखो काजल, तुम अपने ठीक है ना, अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओ, मेरा जैसा मैं हूँ, छोड़ो यार। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। वैसी बात, उल्टी बातें मत करो, अपनी लाइफ आगे बढ़ाओ, ठीक है? मैं उल्टी बातें नहीं कर रही हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, शादी करो, बंद कर दो। यार मैं कह रहा हूँ, जब क्या कह रहे हो, मुझे नहीं सुनना, मुझे सुनना ही नहीं है कुछ भी।
यार मेरी हालत देखो यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ मेरे को अपने आप को देख के अपने को वो होता है, तो मैं क्या बोलूं यार तुम्हारे को अब। मैं कुछ बोलना ही नहीं है, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। यार मैं अच्छा नहीं लगता तुम्हारे चलता हुआ, अब पहले की बात और थी, पहले की बात कुछ नहीं थी, अब बात और है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, पहले की बात और अब की बात कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हें लगता है कुछ नहीं हुआ, मेरे को पता है मेरे साथ क्या हो चुका है क्या नहीं है, ठीक है ना। मेरे को खुद को अपने आप को देख के इतना शर्मिंदगी महसूस होती है अब, तो मेरे को नहीं पता कि तुम्हारे साथ चलूंगा ये हो नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अलग हो जाएंगे, हमारी शादी हुई है। यार तुम समझा करो बात को, ठीक है ना। मेरे को समझना ही नहीं, समझने लायक बात नहीं है, शुरू हुई है, क्यों मेरे पीछे अपनी जिंदगी खराब कर रही हो अब तुम। मेरे को समझना ही नहीं है, बात बर्बाद समझने लायक ही नहीं है, तुम मुझे इग्नोर करना बंद करो। मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा परेशान ना, तुम मेरे को देख के टेंशन में रहती हो, मेरे को और वो फील होता है कि मैं टेंशन में नहीं, मैं इसलिए टेंशन में नहीं हूँ कि तुम्हारी ये हालत, मैं इसलिए टेंशन में हूँ कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो बार बार। मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी से तो परेशान हो चुका हूँ बस। यार तुम खुद जानती हो, अगर ऐसा हादसा हुआ था ऊपर वाला इससे बढ़िया मार देता वो सही चुप था। एकदम चुप, चुप एक बार यार, मैं जानता हूँ मेरी हालत, मेरे से अब एक बार भी तुम ये नहीं बोलोगे, तुम एक बार भी ये नहीं बोलोगे अब, अगर मेरे साथ ऐसा होता मैं सुसाइड कर लूं जाके, मैं नहीं देख सकता तुम्हारे को परेशान, ठीक है ना। अब एक बार भी तुम ये सब नहीं बोलोगे, अगर मेरे साथ ये होता तो मुझे छोड़ देते इस हालत में, तुम मुझे छोड़ देते मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मेरे साथ तो हुआ ना ये सब, यार हुआ है तो क्या मैं छोड़ दूंगी, हम पति पत्नी हैं, हम तुम्हें थोड़ी छोड़ सकते हैं। यार तुम लाइफ खराब कर रही हो अपनी, कोई लाइफ खराब नहीं हो रही है, तुम अपने ठीक है नई दुनिया बिछाओ जाके। हमने शादी की थी इसीलिए थोड़ी की थी, सुख में दुख में हम एक साथ रहेंगे ना, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो बार बार, इससे क्या हो जाएगा। तो आज मैं नहीं जाने वाली, तुम्हें घर लेके ही जाऊंगी, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। नहीं जाऊंगा मैं, सब देखते हैं उल्टा ही बोलते हैं, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। लोगों से क्या करना है, मैं लोगों से क्या करना है, मुझे लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है, सब मैं घर लेके ही जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वरना मैं भी नहीं जाऊंगी, यही बैठूंगी आज। तुम अपना क्यों लाइफ खराब कर रही हो यार मेरे पीछे। नहीं लाइफ खराब नहीं कर रही हूं, तुम्हें पहले भी नहीं पता यहां आई कैसे, किसने बताया मैं यहां पे आता हूं। मैं खुद से आई हूं, मुझे पता है। तुम जाओ अपना, क्यों लाइफ खराब हो रही है तुम्हारी, ठीक है ना। तुम मेरे चक्कर में अपना जिंदगी मत खराब करो। कोई जिंदगी खराब नहीं हो रही है, मैंने जिंदगी खराब हो रही है, मुझे दिख रहा है मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब करूं अब। नहीं हुई है खराब। यार मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं ना कहीं जाकर सुसाइड कर लूंगा, ठीक है ना। मैं भी मर जाऊंगी फिर, तुम अगर शादी करोगे ना फिर बातें मत करो मरने मुरने की, ठीक है ना। तो फिर तुम भी मत करो, मैं तो वैसे ही उठा ही लेता, वो सही था मेरे को। तो मेरे से नहीं जाता ऐसे देख के, मेरे को अपने आप को देख के मेरे को घिन चढ़ती है, कैसा था कैसा हो गया। मैंने बोला नहीं ये सब मत बोलो बार बार, मत यार जिंदगी खराब करो तुम अपनी मेरे पीछे, यार अपनी जिंदगी नहीं। चुप हो जाओ, रो क्यों रहे हो इतना। यार रह क्या गया, कुछ नहीं रह गया अब यार, इससे बढ़िया मर जाता वो सही था यार। तो वही तो बात है, इतनी इतना वोल्ट के करंट लगने के बाद ही तुम बचे हो, तो किसी रीजन से ही बचे हो ना, मेरे लिए बचे हो ना, भगवान ने बचाया है तो, ताकि हम साथ रहें। वरना यार तुम अभी जाने दो यार, नहीं तुम कहीं जाओगे तुम ये बैठो, तुम अपनी लाइफ में बैठो यार, क्यों जिंदगी खराब कर रही हो अपने मेरे पीछे यार। तो हम लोग साथ है ना तो सब कुछ सही सही होगा, तुम्हारे साथ चलता हुआ भी अच्छा नहीं लगूंगा, पर दुनिया क्या कहती है मेरे को, ताने मारती दुनिया, पता है हम साथ है, दुनिया से क्या मतलब है हमें, हम साथ है तो। तुम मत करो ऐसा, ठीक है ना, तुम अपनी लाइफ शुरू करो प्लीज, तुम रोना मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दो। नहीं नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम घर चलोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, घर नहीं जाऊंगा, तुम मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दो, कहीं नहीं जाओगे तुम। तो अपने आप को देख के घिनाती है, मेरे से नहीं जिया जाएगा वैसे, कहीं नहीं जाओगे तुम, घर चलोगे मेरा, ठीक है, और हम साथ हैं तो सब सही हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या साथ है, कैसे रहे, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, क्या कर लूंगा मैं तुम्हारे पे बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ नहीं हो तुम, बोझ नहीं हो तुम, बोझ ही हो, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा तो बोझ ही होगा ना, बोझ नहीं हो तुम। मेरे को तो अपने आप को देख के वो होता है क्या जिंदगी थी क्या हो गई एकदम। तुम जाओ, तुम यार जाओ, नहीं, तुम नहीं, मेरे चक्कर में नहीं, तुम जाओ, तुम कहीं जाओ यार, नहीं कहीं जाओ, मुझे छोड़ो, नहीं तुम मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दो यार, नहीं बैठो तुम कहीं जाओगे, क्या करूं यार, नहीं देखा जाता मेरे को ऐसे, पहले रोना। तुम रो मत, वरना मैं मर जाऊंगी। तुम क्यों रो रही हो यार, मेरे को नहीं रह
है ना, तुम मत रो, तुम्हें नहीं रोना, ठीक है, चुप हो जाओ, मैं चुप हो, तुम घर जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही जाऊंगी लेके। यार क्या करूंगा मैं घर जाके, क्या कहेंगे दुनिया वाले अब देख के। दुनिया बोल दी, दुनिया से क्या करना है हमें, हमें साथ रहना ना, दुनिया को रहनी है हमारे साथ। जब मैं बोल रही हूँ मैं नहीं जाऊंगी। यार मत करो अपनी लाइफ खराब, देख लो एक बार। नहीं अगर तुम जाओगे भी नहीं तो वैसे भी मैं रहने वाली नहीं हूँ, मैं मरी जाऊंगी अगर तुम नहीं जाओगे मेरे साथ। फिर कहाँ जाऊँ यार, क्या करूँ, कहीं नहीं, घर चलो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, पहले घर चलो। मेरा तो उस घर में जाने का भी दिल नहीं करता। रो मत तुम मत रो, तुम रहोगे मेरे, मेरा दिमाग का मैं कुछ कर लूंगा, कर बैठूंगा, ठीक है ना। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम चुप हो, तुम चुप हो, जिंदगी मेरी दुख लिखी है, तुम तो कुछ रहो कम से कम। तभी कहता हूँ कि अपनी लाइफ आगे बढ़ा लो, नहीं सुखी रहोगी। मेरी जिंदगी खराब मैं क्या करूँगा यार जाके, एक बार बताओ। मैं कुछ कर नहीं पाता, खा नहीं पाता, पी नहीं पाता। मैं खिलाऊंगी ना मैं क्यों यार, मैं बोझ नहीं बनना चाहता ना। मेरे को यही सोच के तो वो होता है कि अब मैं पहले कितनी सही जिंदगी चल रही थी, अब एकदम तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाऊं मैं। बोझ नहीं है ये, हम शादी किसके लिए गए थे, इसलिए गए थे ना, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे सुख में दुख में। साथ रहेंगे, अगर मेरे साथ भी होता फिर भी तुम मेरे साथ रहते, मेरा साथ छोड़ देते तुम। छोड़ता तो नहीं तुम्हारे साथ, लेकिन भगवान ना करे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो। फिर मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। फिर चलो पहले घर चलो, उसके बाद देखते हैं।